भोजपुरी गाने लोग बजाते हैं अपनी शादियों में, दुनिया में सबसे गंदा गाना भोजपुरी का गाना होता है। उतनी बेहयाई, उतना लुच्चापन, इस अगर आवाजी उन गानों में होती है, उन गानों को अपने घर में बजाते हैं, वहाँ बीवी बेटी माँ सारे लोग होते हैं और उनके सामने इस तरह के गाने बजते हैं। अब तो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ऐसे गानों ने जन्म लिया है, नौजवान लड़का नाचता है, वहाँ उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है, वहाँ उसकी बहन भी होती है, वहाँ गला पर नाचता है, पहले तमाशा देखती है। मैं कहता हूँ कयामत के दिन जितनी जो हसो तुम्हारे साथ किया जाएगा, तेरे बाप के साथ भी किया जाएगा, वो बाप कान खोल कर सुन ले जब उसे इमाम साहब कहते हैं क्यों ये सब ड्रामा करवा रहे हैं, क्यों ऐसे नाच गानों की माफी होने के कर रहे हैं। बोलता है मौलाना साहब बच्चे बाप नहीं मानते, बच्चे बाप नहीं मानते, मैंने तो मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा, 30,000 रुपया लग रहा था डीजे लाने में, मेरा बेटे को मैं मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा, मगर उसके दोस्तों ने कहा है कि राज चाचा आप परेशान मत होइए, पैसा हम लोग उठा कर लाते हैं, जिंदगी में रोज रोज शादी नहीं होती है, जिंदगी में एक बार शादी होती है, डीजे बजना चाहिए, आपसे पैसा नहीं मांग रहे, पैसा हम अपने दोस्त सब है, हम लोग किस काम के, हम लोग उठाकर पैसे दे देते हैं, मगर डीजे आएगा। मैं कहता हूँ तुम दूरे हो, तुमको ये बोलना चाहिए था कि मेरे दोस्त हो ना, हाँ पहली बार शादी कर रहा हूँ, मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ, जिंदगी में आदमी रोज रोज शादी नहीं करता, एक बार शादी करता है। मैं कहता हूँ किसने तुमको कहा एक बार शादी करो, जिनकी माँ चाहो शादी करो, एक वक्त में चार औरतें रखना तेरे लिए जायज है, अगर तेरे पास ताकत है, अगर तुम्हारे अंदर इंसाफ की ताकत है, इंसाफ कर सकते हो तो कर लो तुम, मगर तुम्हें मना नहीं है, मगर अगर नहीं करना है एक ही बार करना है तो हाँ हाँ एक बार करना है, तो इसको इतनी धूमधाम से शादी करो, इतनी धूमधाम से कि सिर्फ हमारे दोस्त को खुश ना हो बल्कि आसमान के फरिश्ते भी मेरी शादी कर सकते। क्या नारा लगाया कि क्या किया, कम से कम सांस भी लेने दो नारे के। नारे या हबीब अल्लाह, लाख लाख शुक्र एहसान है। बेटा तकरीर सुनो।